कोरोना काल में भाजपा ने जहां मतभेद बुलाकर सबको सहयोग देकर लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है, वहीं पर कांग्रेस कोरोना काल में भी नकारात्मक राजनीति कर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। उन्हें ना तो जनता की चिंता है और ना ही कोरोना की चिंता है। ये बात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने मंडी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र में मोदी की सरकार ने लोगों की भलाई के लिए कदम उठाए और प्रदेश में जयराम सरकार ने बेहतरीन प्रबंधन किया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। अब वे घटिया राजनीति पर उतर गई है। खुद तो उनके नेता भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, फिर भी मुख्यमंत्री से त्याग पत्र देने की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार के कई रिकॉर्ड बनाए। आज वही लोग त्याग पत्र की मांग कर रहे हैं। अपने सत्ता के कार्यकाल में उन्होंने कभी सीएम से त्याग पत्र नहीं मांगा। उन्होंने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनके सीएम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली जाते थे, तब उन्होंने कभी तत्कालीन सीएम से इस्तीफा नहीं मांगा। आज वे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने जिस कदर बेस्ट सीएम होने का अवार्ड हासिल किया है, उससे तो कांग्रेस को कुछ भी पच नहीं पा रहा है। शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले एक साल से बेहतरीन कार्य किया है, उनका सफर शानदार उपलब्धियों भरा रहा है। हालांकि कोरोना काल में उनके सामने कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों में पार लगाया है। उन्होंने 370 हटाने का फैसला लिया ताकि जम्मू कश्मीर को विकास की गति में आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए नागरिकता बिल लाया, राम मंदिर निर्माण कार्य को शुरू करवाया, पूर्वोत्तर में बोडो समझौता किया, 3 तलाक पर कानून बनाए, 14,500 किसानों को सालाना 6,000 रुपए प्रदान किए, 10 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को समय पर लगाकर कोरोना को लगाम लगाने में किसी हद तक कामयाब रहा है। लोगों ने जिस तरह से लॉकडाउन का पालन किया, उससे प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का विश्वास झलकता है। उन्होंने कहा कि देश में पहले पीपीई किट और मास्क नहीं बनते थे, लेकिन देश इन्हें बनाने में सक्षम है। आज हम वेंटिलेटर भी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर से भारत में होने वाली मृत्यु दर बहुत कम है। इस मौके पर विधायक राकेश जम्बाल, विधायक इंद्र सिंह गांधी, जिला प्रधान रणवीर सिंह ठाकुर, भाजपा नेता अजय राणा, सुमन ठाकुर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह एक साल शानदार प्रगति हो रहा है और संकट और आपदा के समय अति चुनौतीपूर्ण रहा है। इस कार्यकाल में केंद्र की सरकार ने जो कई दशकों से मुद्दे लटके थे उनका समाधान करने के लिए बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे जम्मू कश्मीर की धारा 370 और 35A को हटाकर इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का काम किया और साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य घोषित करके वहां के लोगों को उनके अधिकार देने का काम, वहां विकास तेजी से हो उस दृष्टि से यह निर्णय लिया गया। उसी तरह से मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हुए नागरिकता संशोधन कानून को लाया गया, को पारित करवाया गया, जिसके कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो हिंदू, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी समुदाय के लोग शरणार्थी बनकर हिंदुस्तान में रहे, उनको नागरिकता देने का काम हुआ ताकि वो इस देश में सम्मानजनक ढंग से जीवन यापन कर सके। वो चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी हमारी सरकार ने कोरोना संकट का डटकर मुकाबला किया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने कोरोना महामारी की दस्तक आते ही समय पर शिक्षण संस्थान बंद करने की घोषणा की, सार्वजनिक कार्यक्रम मेलों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया, लॉकडाउन कर्फ्यू लगाकर कड़ाई से उसका पालन किया, जिसके फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश में आम जनता कोरोना से बची।
और मैं मानता हूं कि आम जनता को कोरोना से बचाने और प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से नुकसान ना हो, प्रदेश विकास